जीवन करेंगा मुर्गी लाते लाते आग नया मौके तो नारे लगाते मौके बजाए हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी ही हूं। आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूं, बस जीजा जी के फेवर में वीडियो बना रही हूं कि जीजा जी का एक दूसरा गाना आ चुका है। गाना का नाम है जीवन के डोंगा मोर, ऐसे कुछ देखती हूँ, वेट, जीवन के डोंगा मोर ये है। तो आप लोग प्लीज़ आशीष जीवन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आशीष जीवन चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जीजा जी का नया गाना आया है, उसको खूब सारा आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोग ये सुम और सांग रहेला उसको दिए हैं, वो 66K पहुंच गया। ओ माई गॉड, 66K यानी कि 66,000 ना, उतना पहुंच गया है। तो ये गाना को भी अभी जीजा जी का चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जीजा जी का वीडियो वॉच कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। जीजा बहुत मेहनत करते हैं और वो जीजा सॉन्ग बनाते हैं, और ईश्वर आप सबको भी आशीष प्रदान करे, आप सबको भी आशीष दे, आपके परिवार वालों को भी। आप लोग खुशी से रहिए, सुखी रहिए और बहुत अच्छे से रहिए, कोई दुख तकलीफ ना आए। दुआ तो हम लोग यही करते हैं। जीजू का ये सॉन्ग भी अच्छा ही है, मैं तो सुनी और अच्छा लग रहा था, पर मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से मैं नहीं बजा पा रही थी। पर ये फ़ोन से मैं बजा के थोड़ा सा सुनाती हूँ आप लोगों को, ओके। जीवन करे डोंगा मुर्गी लाते लाते आग नया मौके तो नारे लगाते मौके बजाए लेनी शरण में मौके जगा देनी मौके बजाए लेनी शरण में मौके जगा देनी। तो इतना ही, नया गाना है, पहली बार सुनी हूँ इसलिए मैं उसका बोल भी मुझे याद नहीं है। दो तो तीन बार सुनूंगी तभी उसका जो बोल है वो पकड़ पाऊंगी, तो नहीं गा पा रही थी। तो अच्छा है इस बार का गाना भी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जीजो जी को। जीजा बोले थे मुझे कि अपना चैनल मेंशन करना, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मैं आप लोगों को नहीं बताई हूँ, मेरे जीजा जी ड्राइवर हैं, एयरपोर्ट में जो उतरते हैं वो जो पैसेंजर लोग को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं, बुकिंग करता है वो लोग उसके थ्रू। तो ऐसे जीजा जी का अपना पर्सनल गाड़ी नहीं है, वो लोग भी बहुत गरीब परिवार से हैं, इसलिए ड्राइवर हैं तो वो गाड़ी भी चलाते हैं और ये गाना भी बनाते हैं, मैनेज करते हैं। जीजा जी का एक सपना है कि मैं सिंगर बनूं, दिखने में नहीं दिखते हैं कि उनका इतना मधुर आवाज़ है, इतना स्वीट, मतलब इतना प्यारा आवाज़ है, नहीं दिखते हैं, और उसका वॉइस इतना अच्छा है ना कहना ही नहीं, और दिल के भी बहुत अच्छे हैं जीजा। मेरे जीजा खाते पीते नहीं हैं कुछ भी, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट ड्रिंक कुछ नहीं, कुछ नहीं, और चिकन मटन कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक खाते हैं, मेरी तरह ही जीजू है। बहुत अच्छे हैं जीजा जी और बहुत रिस्पेक्ट हम लोग का करते हैं। और जीजा लोग जैसे कोई कोई होता है ना कि जीजा साले में बहुत सारा मजाक, ऐसा मेरे जीजा नहीं है, पूरा सीधे साधे हैं, और हम लोग अपना बहन जैसा बेटी जैसा ऐसे मानते हैं मेरे जीजा। तो मुझे ना जीजा की जी के सामने में कभी भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता, मतलब अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे जीजा जी का। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं चाहती हूँ मेरे जीजा बहुत आगे जाए और सिंगर बने, ताकि मुझे भी, मुझे तो अभी एज अ गांव की गोरी सब जानते हैं, बट मुझे कभी ये भी जाने कि ये सिंगर सुशील आइंद की साली है, ये भी करके जाने तो और अच्छा लगे ना मुझे, तो वो भी टैग मुझे मिल जाए। तो इसीलिए जीजा जी को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, कि मुझे भी बहुत फक्र महसूस होगा कि ये मेरे जीजा जी हैं, सिंगर सुशील आइंद ये बोलने में। और ऐसे तो मैं हमेशा जीजा के ऊपर फक्र है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो मेरे जीजा जी हैं। और दीदी को इतने अच्छे हस्बैंड मिले, अरेंज मैरिज हुआ है मेरी दीदी का, सोचिए, फिर भी इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, और दो बच्चे भी हैं, सुहाना और आशीष, जिनको कि आप लोग जानते हैं, आशीष को तो आप लोग जानते हैं, सुहाना को भी आप लोग जानते हैं, दोनों, सुहाना को भी हम अपनी बेटी जैसा हम उसको मानते हैं, आशीष तो और इतना लाडला है, उसको भी अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं। मेरा कोई बेटा बेटी तो है नहीं, शादी हुआ नहीं है, बट स्टिल मुझे उन लोग के साथ ऐसा फील होता है ना कि मेरे बच्चे हैं ऐसा। बहुत कोई बोलते हैं कि आशीष तुम्हारा बेटा है ऐसे बोल के, पतरा तू गए थे ना तो वहाँ भी वो सब्सक्राइबर थी ना, वो बोल रही थी कि मतलब उसको लगा कि आशीष मेरा बेटा है, तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी मासी हूँ ऐसे। तो सुहाना भी कभी कभी मेरे साथ जाती है तो लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ,
ऐसे लगती हूँ ना मम्मी जैसे साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ तो औरत जैसे दिखती हूँ। अच्छे अच्छे जीजा सॉन्ग सुनने के लिए प्लीज़ जीजा जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और जीजा जी बहुत अच्छे अच्छे गाने लेकर के आएंगे। और ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में जो भी आएगा। और प्लीज़ आप लोग आशीष जीवन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगेन मैं कह रही हूँ। देन बाय एवरीवन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।